हेलो एवरीवन, ये हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं। 4 बजे का बैच से आते थे। कौन सा सेशन था सर आपका? 2019-20। थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोनू कुमार है और आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ पढ़ता था। 2019-20 का मेरा बैच था। 4 PM में आता था। उस टाइम सर पढ़ाते थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और बस एक ही बात बताते थे, अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि तुम आगे जाके पढ़ा सको। और उस बात को मैं फोकस किया और आज मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। तो इस यहाँ पे मैंने जितने स्टूडेंट को भी देखा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आप लोग सारे ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, मोस्ट ऑफ पीपल। यस। तो साइंस फील्ड के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 4 to 5। कॉमर्स फील्ड, ठीक है। और आर्ट्स फील्ड से कौन कौन है? मोस्ट ऑफ द पीपल आर्ट्स फील्ड से, ठीक है। तो अगर आप लोग साइंस फील्ड में है तो आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हो, EDCA+ पढ़ रहे हो, इसका आगे आप क्या यूज करिएगा? सर मैं अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए पढ़। गुड बिजनेस है। और कोई आंसर देना चाहेंगे? सर कंप्यूटर मेरा हॉबी है। मेरा प्रोफेसर सर UPSC MBA क्लियर करना। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ, चाहे साइंस फील्ड हो, चाहे आर्ट्स फील्ड हो, चाहे कॉमर्स फील्ड हो, कंप्यूटर हर जगह के लिए एसेंशियल है और आज के दिन में बहुत एसेंशियल बन चुका है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डेटा फील्ड के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? और अगर आप UPSC एग्जाम क्लियर किए होंगे तो जितने भी डाटा आप पुट करते हो तो वो किस में पुट किया जाता है? तो ये बात आप लोग जान चुके हुए, कंप्यूटर का हर फील्ड में यूज़ है। आप चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, आप कंप्यूटर यहाँ सीख रहे हो। ये बेसिक लर्निंग है, एडवांस लर्निंग और भी है, BCA है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जो पढ़ रहे हो लगन से पढ़िए, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सीखे कि आपसे बेहतर कोई ना जानता हो। कंप्यूटर की डिग्री हर किसी के पास मिल जाएगी आपको, 1500 में हर किसी के पास होता है। किसी के पास डिग्री होती है, किसी के पास नॉलेज होता है। नॉलेज और डिग्री जिसके पास है वही सक्सेसफुल बन पाएगा। तो थैंक यू सो मच कि इतने कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी बात सुन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अभी आप लोगों को काम करना है या किसी भी फील्ड में जाना है, दिस आर मोस्ट कंपल्सरी। आप एक कुछ भी काम करने जाते हैं तो कंप्यूटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अपने फील्ड में कोई भी सेक्टर में आप चले जाइए, ठीक है। अगर आप CRPF का भी अगर आप दौड़ निकालते हैं या उसमें भी जाते हैं तो अगर कंप्यूटर आप सीखे रहेंगे तो जो लगता है कि इधर उधर काम करने से अच्छा ऑफिस में काम मिलेगा आपको। तो कंप्यूटर जानना बहुत ही कंपल्सरी है। इनका मेन मोटो यही था, है ना? ठीक है। और आप लोगों को मैं ये चीज़ कहूँगा, एक मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। मेरा एक सजेशन है आप लोगों का कि आप लोग जो पूरे डेज में रूटीन आवर जो होता है, पूरे डे में क्या काम करते हैं, सोने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आज पूरा डे मेरा किस तरह से निकला। अगर उसमें कोई होमवर्क छूट जाता है तो आपको नींद आएगा क्या? पहले लगेगा कि हम उसको होमवर्क को पूरा करें। 5-10 मिनट अपने अपने बारे में सोचिए कि पूरे डे मेरा कैसा गया। टाइम को कोई भी व्यस्त नहीं करेगा। एक बार टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता है। कुछ भी पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन एकदम कांस्टेंट होकर के करो। मैंने क्लास आवर में बहुत सारे बच्चे लोगों को ये देखता हूँ कि क्लास तो करता है पर ध्यान यहाँ नहीं रहता, माइंड कहीं और, क्लास में यहाँ पे सिर्फ बॉडी दिखता है उनका, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप कांस्टेंट करके पढ़ो, कुछ भी करो, एकदम कांस्टेंट करके करो, ठीक है बाबू? ठीक है, आज यहीं तक मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ।